हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं पारस डिफेंस आईपीओ के बारे में। अगर आपने भी अप्लाई किया होगा पारस डिफेंस आईपीओ में, तो आप भी कब से वेट कर रहे होंगे कि कब इसका अलॉटमेंट आएगा और कब अपन चेक करेंगे, क्योंकि इस आईपीओ में डेफिनेटली लॉटरी लगने वाली है। जिसको भी अलॉटमेंट मिलने वाला है उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं। इनफैक्ट आपको मोर देन डबल आपको इसमें पैसा होने वाला है। आपका एक तरीके से लॉटरी ही है, तो आप भी लॉटरी का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि लॉटरी कहाँ से आपको देखनी है, कहाँ से चेक करनी है, कहाँ से आपकी लॉटरी खुलेगी और क्या प्रोसीजर, कहाँ सबको सबसे पहले पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ पारस डिफेंस आईपीओ का। आप यहाँ पे देखोगे आईपीओ का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज के इसका डेट है अलॉटमेंट का। मैं चलता हूँ आपको ले चलते चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर देखेंगे इसका डेट। तो जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है आज है 28 सितंबर, और ये आज का डेट दे रखा है इसमें अलॉटमेंट। और अगर अपन बात करें आईपीओ का लिस्टिंग डेट का, तो लिस्टिंग जो डेट है इसका 1 अक्टूबर है। तो मीन्स आज के डेट में इसका अलॉटमेंट आ जाना चाहिए वैसे डेट के हिसाब से। तो अपन चेक कहाँ करना है मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले इसके रजिस्ट्रार के ऊपर। इसका रजिस्ट्रार कौन है आपको यहाँ पे जाकर सर्च करना है। तो आपको सर्च करना है पारस डिफेंस आईपीओ रजिस्ट्रार नेम। अब यहाँ रजिस्ट्रार नेम इसका सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा इसका रजिस्ट्रार जो है लिंक इन टाइम इंडिया है। तो आपको सिंपली लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ जाकर चेक करना है। लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल पर लिंक इन टाइम इंडिया और क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पहली वेबसाइट जो दिखेगी लिंक इन टाइम .co.in, ये इसी की वेबसाइट है। आपको वेबसाइट पर चले जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे, पब्लिक इशू, राइट इशू और फेसमिस ऑफर फॉर सेल या बाई वीक भी कहते हैं उसको। आपको चले जाना है पब्लिक इशू के ऊपर। पब्लिक इशू के ऊपर जाने के बाद आपको एक नई वेबसाइट खुलेगी, मीन्स नया पेज ओपन होगा और इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्लीज सिलेक्ट कंपनी नेम, देन पेन नंबर और सबमिट। तो आपको पेन नंबर से आप चेक कर सकते हैं और या आपके पास एप्लीकेशन नंबर, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंपनी नेम सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप कंपनी नेम पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ रिसेंट आईपीओ दिखा रहे हैं पुराने, सेंसर आईपीओ, सेंसर इंजीनियरिंग और एमई ऑर्गेनिक्स वाला। तो अभी जो आपका पारस डिफेंस का आईपीओ है उसका अलॉटमेंट अभी आया नहीं है। जैसे ही उसका अलॉटमेंट आएगा आपको यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। मीन अभी तक जब तक इसका नाम यहाँ पर आता नहीं है, इसका अलॉटमेंट अभी आया नहीं है। अलॉटमेंट आते ही यहाँ पर इसका नाम शो हो जाएगा और आपको नाम सिलेक्ट करने से यहाँ पर पारस डिफेंस आएगा। आपको नाम सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको पेन नंबर डालने हैं, आपके पेन नंबर नहीं तो आप एप्लीकेशन नंबर डालिए या DP ID डालिए या फिर आप अपने अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने अलॉटमेंट का आप या फिर आपकी लॉटरी आप चेक कर सकते हैं आपको लॉटरी मिली या नहीं मिली है। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस था चेक करने का, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इन टाइम की। आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका अलॉटमेंट आपके पेन नंबर के थ्रू। पेन नंबर इजी रहता है, सबको अपना याद रहता है और वहाँ से आपको इजी रहेगा। तो आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए तो जहाँ से आपने अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन नंबर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने अगर अपोस्टॉक से किया, 0 10 से किया या ग्रो एप से किया, तो वहाँ पर जाकर आपको इसका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये तो था अलॉटमेंट चेक करने का बेसिक डिटेल, ठीक है। ऐसा आप चेक कर सकते हैं और जैसे इसका अलॉटमेंट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे तो अब चल देख लेते हैं अपन इसका ग्रे मार्केट में आज की डेट में क्या चल रहा है और कितना आपको इसमें लिस्टिंग है इसको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा आईपीओ वॉच की वेबसाइट पर, और इसकी वेबसाइट पर देखेंगे आज का GMP जो चल रहा है 28 सितंबर का, वो है ₹250 पर इक्विटी शेयर। ₹250 काफी अच्छा GMP है, और पिछले कुछ डेट की अपन देखेंगे GMP, तो यहाँ से काफ़ी बढ़ोतरी भी इसमें हुई है। पहले 25 सितंबर को 230 था, देन 27 को 245 और आज ₹250 चल रहा है GMP। मीन्स काफ़ी अच्छा GMP चल रहा है। और इसका जो कट ऑफ प्राइस है, कट ऑफ प्राइस अपन देखेंगे तो कट ऑफ प्राइस इसका जो ओनली है ₹175 पर इक्विटी शेयर है। तो ₹175 के अपने को ₹250 अपने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 100% के ऊपर अपने को GMP देखने को मिल रहा है। मीन्स आपको अगर पैसा आपका देखा जाए तो 1.5 गुना हो रहा है मोटा मोटा यहाँ पर, क्योंकि आपको ₹170 के ऊपर आपको इसमें मिनिमम GMP मिलता है यहाँ पर 250 की जगह, तो भी आपको 100% आपको पैसा आपका डबल होने वाला है। लेकिन 250 में आपको ये 150 गुना पर आपको रिटर्न मिलने वाला है इसमें इसके हिसाब से। अगली वेबसाइट अपनी चाणक्य निपोथी की वेबसाइट, और इसकी वेबसाइट देखेंगे GMP आज का 28 सितंबर का 4:30 पर अपडेट हुआ है लेटेस्ट GMP। इसमें ₹225 दिखा रखा है, मीन्स हो सकता है कि थोड़ा GMP कम हुआ हो, 4:30 का अपडेट है ये लास्ट का आज की डेट का। तो 225 भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें दोनों में अपन कंपेयर करेंगे तो ₹25 का डिफरेंस है। ₹25 काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इसमें, क्योंकि अगर आप बात करें तो आपको एक लॉट में 85 शेयर्स मिलने वाले हैं और 85 में 25 करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है अमाउंट में ये।
तो फिर भी अगर अपन देखें तो ये भी 200 के ऊपर ही है, 225 भी काफी अच्छा जीएमपी है। इनफेक्ट मैंने बोला कि 200 रुपये भी आपको मिनिमम जीएमपी मिलता है तो भी आपको मोर देन 100% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। इनफेक्ट आपको 175 भी मिलता है मिनिमम रेट इसमें जीएमपी, तो भी आपका पैसा डबल होने वाला है। मीन्स आपको एक लोट पे 14 से 15 हज़ार का प्रॉफिट तो मिनिमम होने ही वाला है, और हो सकता है आपको 20 से 25 हज़ार का भी आपको प्रॉफिट देके जाए, क्योंकि काफी अच्छी डिमांड है जीएम इसकी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में, और लोग काफी ज्यादा बाई कर रहे हैं इसमें। तो हो सकता है आपको लिस्टिंग देकर ये और आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। इनफेक्ट मेरे हिसाब से आपको अगर आपको लोट में मिलता है तो आपको 25 से 30 हज़ार रिटर्न भी दे सकता है एक लोट पर। तो देखते हैं, उसके पहले अपन ये देखें कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात तो अलॉटमेंट मिलना है, मीन्स वो लॉटरी आपकी लगती है या नहीं लगती है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जेएमपी की बात आती है कि जेएमपी कितना ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है तो जेएमपी का कोई मतलब नहीं है। तो आप अभी अपना अलॉटमेंट चेक कीजिएगा लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर, जब भी आता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।